जो हरियाणा के 6 अधिकारियों को सम्मान करने का निर्णय लिया, जिन्होंने इसी बॉर्डर पर जहां हम खड़े हैं यहीं पर लगभग कह लीजिए भी हजारों ड्रोन से जो जहरीली गैसों के हमारे ऊपर इस्तेमाल किया, यहां पर हजारों फायर SLR के, 12 बोर के, पायलट गन के, शॉट गन के यहीं पर हमारे ऊपर किए गए थे। तो ये बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करने वाले ऑफिसर को सम्मान करने का निर्णय, जिसके विरोध में हम लोग 1 अगस्त को बड़ा देश भर में कार्यक्रम करेंगे अर्थी दहन का, 15 अगस्त को भी ट्रैक्टर मार्च होगा। ट्रैक्टर मार्च हर यूनियन अपने हिसाब से डिसाइड करके पूरे देश भर में करेगी। किसान आंदोलन की आहट फिर सुनाई दे रही है, क्योंकि आज किसान नेता सरवन सिंह पंडेर की तरफ से कहा गया है कि किसान जल्दी सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करेंगे और 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पंडेर ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी भुगतना पड़ेगा। मैं सरवन सिंह पंडेर इस समय शंभू बॉर्डर से बोल रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो हरियाणा सरकार और केंद्र ने जो ये नशे शंभू का है, इसके ऊपर दीवारें निकाल रखी है, मेरे पीछे बैरिकेटिंग हुई है, और इसकी वजह से जो पंजाब अथवा जो भी व्यापारी हैं, जो भी ट्रांसपोर्टर हैं और आम लोग हैं, उनको सुविधा आ रही है। और जो निर्णय हाई कोर्ट ने दिया था उसको हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब 1 अगस्त को जो हमारा कार्यक्रम है, जो पूरे देश भर में मोदी सरकार का अर्थी दहन करेंगे हम लोग, तो कल दोनों फोरमों ने ये निर्णय लिया, ये जिला हेडक्वार्टर कर और तहसील पद्धर पर हम लोग कर सकते हैं अब तो, क्योंकि इसमें ज़्यादा संख्या में किसानों मजदूरों के आने का सवाल है, तो ये ज़्यादा जगहों पर कर दिया गया। और जो हरियाणा के 6 अधिकारियों को सम्मान करने का निर्णय लिया, जिन्होंने इसी बॉर्डर पर जहां हम खड़े हैं यहीं पर लगभग कह लीजिए भी हजारों ड्रोन से जो जहरीली गैसों के हमारे ऊपर इस्तेमाल किया, यहां पर हजारों फायर SLR के, 12 बोर के, पायलट गन के, शॉट गन के यहीं पर हमारे ऊपर किए गए थे। यहीं पर जो रबड़ की गोलियां चलाई, और या हो या खनौरी हो, यहीं पर लगभग बहुत से नौजवान जो जख्मी हुए, 6 की आंखें एक एक निकल गई। तो ये बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करने वाले ऑफिसर को सम्मान करने का निर्णय, जिसके विरोध में हम लोग 1 अगस्त को बड़ा देश भर में कार्यक्रम करेंगे अर्थी दहन का, और आने वाले समय में 15 अगस्त को भी ट्रैक्टर मार्च होगा। ट्रैक्टर मार्च हर यूनियन अपने हिसाब से डिसाइड करके पूरे देश भर में करेगी। और आप देखिएगा कि लगातार आंदोलन और आने वाले समय में तेज होगा। लगातार शंभू बॉर्डर पर आने वालों की गिनती बढ़ रही है, और लगातार आप देख रहे हैं कि सरकार के ऊपर दबाव बन रहा। अब हरियाणा की इलेक्शन भी है, महाराष्ट्र की इलेक्शन भी है, जिस तरह से केंद्र ने पहले भी हमें सुना नहीं, समझा नहीं, अगर नहीं सुना समझा तो उसको देश भर में सियासी नुकसान उठाना पड़ा। अगर इस तरह की अगर वो कहते हमें दबा कर, हमारे ऊपर जुल्म कर इस तरह का वो हमारी मांगों के ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे, तो इसका खामियाना हरियाणा के लोगों ने पहुंचाना है सरकार को। ये हरियाणा के लोगों का निर्णय होगा, महाराष्ट्र के लोगों का निर्णय होगा, लेकिन हम स्पष्ट करते हैं जो सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी उसको देश का किसान मजदूर सत्ता में नहीं लाएगा। धन्यवाद। सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि जिन अधिकारियों ने किसानों पर जहरीली गैस छोड़ी, SLR 12 बोर और रबड़ की गोलियां दागी, उन्हीं अधिकारियों को सरकार सम्मानित करने जा रही है, जिसके बाद से किसानों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या चुनाव से पहले सरकार किसानों की मांगों को पूरा करती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।